अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस मोहसिन इकबाल आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका है। आज हम शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद है। इतवार का दिन है, धूप देखें बहुत ज़्यादा तेज़ है। आए आपको दिखाते हैं कि वैडो का और बछड़ों का क्या रेट चल रहा है, मंडी तेज़ है या डाउन है, आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, इतना अच्छा माशाल्लाह आपने तैयार किया, अभी खुद तैयार किया आप? जज़ाकअल्लाह जी। हम लोगों का फार्म है जड़ावाला में यूनाइटेड कैटल के नाम से, और तकरीबन तीन से चार साल हो गए हम लोग अपने जो जानवर हैं वो खुद ही तैयार करते हैं। माशाल्लाह हर साल लेके आते हैं आप जी? हर साल इधर ही होते हैं, और ये तीसरी बार है कि हम लोग मंडी में। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो तो हमारे उधर से फार्म से ही सेल हो जाते हैं, और जो कुछ यानी जानवर जो हैं कह रहे हैं ऑलमोस्ट 20-30% जो हैं वो फिर हम लोग मंडी में ले आते हैं। मंडी का भी तो एक अपना मजा है ना। exactly, मतलब मंडी में बैठ के रौनक, वो मंडी की रौनक जो होती है उसमें अपने आप को उसके साथ चलाने के लिए बस मंडी जो है वो आखिरी 15-20 दिन जो है वो फिर मंडी भी करते हैं। तो सर इसकी कितनी आस्किंग कर रहे हैं? इसकी जी 17 लाख रुपये, 17 लाख रुपीज़। कहाँ तक देने का आइडिया है? ऑफर के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो फिर भी तकरीबन क्या लें, 15 14 15 14। कितने दांत का है? ये टू टीथ है, दो दांत हैं। और हमारे एनिमल्स की अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है कि कराची में भी एक वबा जो है जानवरों में एक बीमारी फैली हुई है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जानवर जो हैं वैक्सीनेटेड हैं, और टॉप ऑफ द लाइन इनको हम लोगों ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इनके लिए कूलर्स लगे हुए हैं, फार्म के ऊपर किसी गैर मुतल्लिका बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो इस हिसाब से इनकी बड़ी केयर से इनको पाला जाता है। क्योंकि बाहर से ही कोई बंदा आता है तो बीमारी आती है, वो बाहर से ही आते हैं बिल्कुल ऐसे। तो इसकी ब्रीड क्या है? ये वाइट नुकरा है गुलाबी में। ये भी कोई यूनिक है? एग्जैक्टली जी, नस्लों के हिसाब से इनके रेट्स होते हैं, और क्या उसका नाम है, ये वाइट नुकरे में है, वो पांडा है, ये भी नुकरा है, इस तरह मिक्स है, ब्राह्मण है। जी ये सारे अपने जानवर खड़े हैं। तो ये जो उसका है उसका क्या? उसकी आस्किंग करें 12 लाख रुपीज़। और ये जो हमारे यहाँ पे बैठे इसकी भी मेरा ख्याल में 12 लाख रुपीज़ है। वो लड़कों को ज़्यादा बेहतर पता है, तो मैं सिर्फ आता हूँ इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो लड़कों को ज़रा बेहतर आइडिया रेट्स का। क्या मांग रहे हैं इनका? इनका 7 लाख रुपए, उसका 6, हाँ 6 लाख रुपए। तो दोंदे ने के चोगे ने? दोंदे ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप? कितने पैसे मांग रहे हैं माशाल्लाह इतना खूबसूरत? 14 लाख मांग रहे हैं। 14 लाख? 14 लाख। तो कोई डील छील लगी है इसके? लग रहा है इसका, लग रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह तआला भी 11 लाख भी लग रहा है इसका। आपका क्या अमाउंट है, कितने तक? 13 से कम नहीं देंगे। 13 से कम नहीं देंगे। और ये काले वाले का? ये काले वाला 8 लाख का। 8 लाख का दे रहे हैं। और ये जो पीछे हमारे लाल, ये लाल 6 लाख का? 6 लाख का। कम से कम बच्चा आपके पास किस कीमत? हमने बच्चे सेल कर दिए हैं, कम से कम ज़्यादा हमने 11 लाख का बच्चा अभी सेल कर दिया है। मतलब अच्छी नस्ल के आपने सारे रखे हुए हैं? के, और ये रखा है गुलाबी रखा हुआ है। तो फार्म वगैरह आप? हाँ फार्म है। फार्म के तैयार हुए? हाँ सारे फार्म के करके तैयार किए हैं। किस, क्या नाम है आपके फार्म का? शेख कॉटन फार्म। शेख कॉटन।
तो नाज़रीन आप मेरे पीछे इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जानवर खड़े हुए आए इन अंदर बैठे हुए मालिक वगैरह इनसे पूछते हैं कि क्या इसका मांग रहे हैं। आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। तो जजी अपने ने हाँ जी क्या मांग रहे हैं इनके? इन्हों का 280 280 2020 280 गाहक की क्या सूरत हाल? गाहक की सूरत हाल ठीक है माशाल्लाह काम हो रहा है। हाँ जी आ रहे हैं लोग। हाँ जी आ रहे हैं जानवर भी खरीद रहे हैं। मंडी में अभी उस तरह का माल नहीं आ पाया जो बिल्कुल आखिरी के दिनों में एक हजूम लगा होता है। माल आ रहा है क्या चक्कर? इतने जिन्ना को मंगाई है माल इन्ना को आना पूरा पूरा मतलब अभी मजीद माल आने की नहीं है तबके? नहीं नहीं माल आएगा अभी आएगा जो बेटा माल न जगह देगी घूमत भी आ पी आ आई समझ वो तो माल भी आ जाएगा जो जगह नहीं देन दा अजे मिट्टियां दा आर्डर ही नहीं होन दिया अंदर अभी हुकूमत की तरफ से मंडी पे पूरे इकदाम नहीं हो पा नहीं हो रहा है वो है ना वो कितने बैठा कि तो किसी को डेरे वाली जगह देन को बंदे अपने डेरे बनान बहन अजे कोई इंतजाम नहीं ऐसा है। पीछे माल काफी है? पीछे बहुत माल डकया पीछे तो माल बेसता है। तो गाहक की क्या सूरत हाल है? गाहक आ रहा है आधी आएगा ना जो माल होएगा बेटा जो माल ही नहीं गाहक कितनो माल देख चल जाता। हुकूमत को आप क्या कहेंगे क्या मशवरा देना चाहिए? देना जाए देन माल थान देन माल आवे मंडी भरे। तो नाज़रीन जैसे कि हम आपको आज की मंडी की अपडेट दे रहे हैं तो आपको बताते चलें कि माल तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हुकूमत की तरफ से भी इस कदर इकदाम नहीं हो पा रहे कि व्यापारी और माल लेके आ सकें। आप देख सकते हैं कि माल मतलब कि अभी इतना ज़्यादा लोड नहीं हुआ। जैसे जैसे माल आता जाएगा वैसे वैसे मंडी की रौनकें बहाल होती जाएंगी गाहक आते जाएंगे माल आता जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये ईद भी खुशियों में गुजरेगी। नाज़रीन कुछ जानवर हमारे पीछे खड़े हुए आए इनका भी देखते हैं क्या मांग रहे हैं। आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब? हाँ जी ऐसे कितने पैसे मांग? इंदर है 190 का। 190 का बीच वाला 160 का और वो वाला 185 मांग। तो गाहक की क्या सूरत हाल? गाहक की मर्जी भावे 3 लाख आखे गाहक की जगह भावे 20 आखे पे गाहक की जगह गल बेटा माल तो मुल्ल आ रहे हैं गाहक। हाँ अल्लाह लेनी है एक गाहक माल अभी इतना ज्यादा नहीं उतरा क्या वजह है? कोई गल नहीं है बारिश बुरी वजह से अल्लाह का नाम है बंदे डरते ने भाई जरा काम इतनी हो जाए उ घर का समान मिलता है पट्ठे पाया दर्जा मिलता कि नहीं मिलता। कब तक आ जाएगा माल? माल कब तक आ जाएगा? माल पता आ जाए आम अंदर लगता कोई बिकता गया कोई बिकता आया गया जैसे जैसे बिकता जा रहा है वैसे वैसे आता जा। हाँ बस गल यही है। आए नाज़रीन आगे चलते हैं देखते हैं क्या मार्केट की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कैसे हैं? ठीक है भाई। ऐसे कितने का लिया मछली? 60,000 का। 60,000 रुपए का। मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी तो बहुत ऊंची है। बहुत ऊंची है लेकिन नसीबों का सौदा मिल जाता है। नसीबों का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर आप सुनाएं। कब से मंडी घूम रहे हैं? यार हम तकरीबन सुबह 9 बजे से आए हैं यार लेकिन मंडी के हालात आपके सामने ही है जानवर है नहीं जो उनसे खड़े हैं उनका रेट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। रेट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो पेट्रोल कह रहे हैं महंगा हो गया जी यहाँ पे हमने बैठ के खाना होता है इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सर हम पहले घर से निकलने लगे थे हमने सोचा यार जाएं कि ना जाएं पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया लेकिन कुर्बानी तो करनी है ना इसलिए फिर हम निकले बकरे लेने आए हैं बकरों का रेट पता कर रहे हैं बकरा एक बकरा यार 1.5-2 लाख रुपया मांग रहे हैं जो सर नॉर्मल एवरेज बकरा है बड़े पैसे मांग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको जानवर इस बार कितने का मिलेगा? जानवर कुर्बानी तो महंगी है लेकिन आज सौदा नहीं बनेगा मुझे जो लग रहा है ना क्योंकि आज मंडी में ना तो जानवर खड़ा है और ना ही ना कस्टमर भी नहीं है जानवर भी नहीं है तो वापस ही जाना पड़ेगा हमें आज। बहुत से व्यापारी कह रहे हैं कि बुध वाले दिन जो है ना वो तब आएगा। बुध वाले दिन ट्रक आते हैं दूसरे शहरों से हर बुध को ना ये पूरा साल मंडी लगती है तो बुध वाले दिन हमने भी एक कट्टा लेना है और बाकी बकरे लेने हैं 4-5 तो बुध वाले दिन इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपके जानवर है माशाल्लाह। जी आपने भाई क्या मांग रहे हैं? इनके मुख्तलिफ रेट हैं भाई 180 2 लाख 2 लाख 10 2 लाख 20। तो ये जो जानवर है ये कितने का? इसका मांग तो नहीं है 1,90,000। अच्छा। जितने का आए देखो। और ये इसका 81
तो गाहक की क्या सूरत हाल? कस्टमर अभी तो मंडी में नज़र ही नहीं आ रहा देखने के, अगर माल भी नहीं है, अगर कस्टमर नहीं है तो गाहक माल भी नहीं है मंडी में इतना, तो अभी तो आपके सामने ही है कि देख ले मंडी में जिस तरह के हालात है। अभी बुध के बाद इंशाल्लाह जो है पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी क्या वजह है कि क्यों नहीं माल आ रहा और क्यों गाहक नहीं आ पा? माल की वजह ये है ना कि माल असल में पीछे भी नहीं है, हम लोग बाहर लेके आते हैं ना गांव वगैरह से जो खरीद के लाते थे जहाँ से माल, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा वहाँ पे भी इतना माल पीछे अब है नहीं है। अब ये जो माल आता है ये तो सिर्फ बुध वाले दिन का माल आता है, क्योंकि बुध वाले दिन आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से गाहक आता है, कस्टमर आते हैं यहाँ से, ये नहीं कि लाजमी को लाहौर वाले ही आते हैं, पूरे पाकिस्तान से इसके कस्टमर आते हैं जो खरीद के लेके जाते हैं। तो ये जो माल आता है ये तो सिर्फ बुध वाले दिन का ही माल होता है। अभी जो माल की कंडीशन है ये आ रहा है कि अल्लाह पाक जिन्होंने कुर्बानियाँ करनी है अल्लाह पाक के साथ उनको दे, लेकिन सूरत हाल जो सवा ये नज़र आ रही है कि जो माल बिल्कुल कम है। माल अभी जो ईद का माल है वो प्रॉपर नहीं आया? नहीं अभी वो माल प्रॉपर आपके सामने जो है, वरना इन दिनों में अभी 20 दिन रह गए ईद में, 10 तारीख की ईद है, तो अभी आपके सामने देख लेंगे पूरी मंडी में कितना माल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। महंगाई की भी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से भी तो ये देखें ना, जो गाड़ी हमारी मुल्तान से लगती थी 30,000 में 35,000 में, अब वही गाड़ी लग रही है 80,000 में 85,000 में, ठीक है, इस वजह से भी कुछ जानवर महंगे हुए हैं। आपके सामने डीजल की पेट्रोल की कीमत कितनी आसमान को छू रही है, अभी डॉलर कहाँ पे चला गया, सारी बात है, वो हर चीज़ों का जो है असर इन पर ही पड़ना है ना, माल पे भी हमने लेके आते हैं खर्चा करते हैं, सारी बात है हमने यहाँ पे बैठ के खाना भी खाना तो वो भी इनके ऊपर ही पड़ना है, खाना भी सारी बात है, हर जो चीज़ खाएं पिएंगे वो भी इनके ऊपर ही पड़ेगी, माल के ऊपर ही पड़नी है ना। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि गाहक भी परेशान है और इस वक्त व्यापारी भी परेशान है, दोनों ही परेशान है और रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है और मंडी इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ है। देखते हैं क्या होता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।